शुभमन गिल नाम तो आपने सुना होगा। OMG, क्या कमाल की जो है बैटिंग देखने को मिली आज शुभमन गिल की जन्म से। और इंडिया की टीम भाई साहब कमाल कर दिया, जो स्कोर ODI में लोग बनाने का ख्वाब देखते हैं इंडिया ने, वो जो है वो T20 में ठोक दिया है। ओए होए होए होए, शुभमन गिल ने आज फिर से मेला लूट लिया। ODI क्रिकेट के अंदर उसने जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की ही की। T20 में पहले 2 में नहीं चला, लेकिन तीसरे में ऐसा चला कि फिर सबके लिए ढोंढे खड़े करके रख। शुभमन गिल क्या नॉक खेल के गया भाई, मेरे तो जेन से नॉक नहीं निकल रही है। कहां से आते हैं भाई ये लोग, कहां से आते हैं ये लड़के कि जो भाई ये इसको फेंटा नहीं कहते हैं, इसको पिटाई भी नहीं बोलते हैं, इसको भाई साहब सीधा सीधा बॉलिंग का मर्डर बोलते हैं। इसने बॉलर्स का आज मर्डर किया, मर्डर जिसको बोलते हैं, कत्ल कर दिया है, कत्लेआम किया बॉलर्स का। जब 60 क्रॉस किया तो शुभमन गिल साहब को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने छक्कों की बारिश कर दी और ऐसी बारिश की कि आराम से इसको कहते हैं सेंचुरी करी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सुपर पावर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि भारत ने तीसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को बुरी तरह हराकर 3 T20 मैचों की सीरीज को 2-1 से जीत लिया है। और इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कोई और है तो वह है शुभमन गिल। शुभमन गिल की शानदार 126 रनों की पारी के बदौलत भारत ने एक पहाड़ जैसा स्कोर न्यूजीलैंड के सामने खड़ा कर दिया था। और इस स्कोर को देख के ही न्यूजीलैंड पूरी तरह पस्त हो चुकी थी। दोस्तों इस बेहतरीन जीत को देखते ही पाक मीडिया बहुत बुरी तरह भारत की तारीफ करने पर मजबूर हो चुका है। तो चलिए दोस्तों देखते पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन इस बेहतरीन। शुभमन गिल नाम तो आपने सुना होगा। OMG, क्या कमाल की जो है बैटिंग देखने को मिली आज शुभमन गिल की जन्म से। और इंडिया की टीम भाई साहब कमाल कर दिया, जो स्कोर ODI में लोग बनाने का ख्वाब देखते हैं इंडिया ने, वो जो है वो T20 में ठोक दिया है। ओए होए होए होए, 20 ओवर में 234 चार विकेटों के नुकसान पे, और क्या कमाल की और लाजवाब बैटिंग देखने को मिली है शुभमन गिल की जन्म से। भाई साहब उधेड़ के रख दिया है, सब कुछ चीर फाड़ के रख दिया है। जो जो बातें कर रहे थे भाई, शुभमन गिल ये नहीं कर सकता, शुभमन गिल वो नहीं कर सकता, सबको गलत साबित कर दिया है, सबकी ऐसी की तैसी फेर के रखती है। खुदा का खौफ करो यार, क्या इनके मार मार के भाई दुम्बा बना दिया बॉलर्स को, ऐसी की तैसी फेर दिया बॉलर्स की। कहां से आते हैं भाई ये लोग, कहां से आते हैं ये लड़के कि जो भाई ये इसको फेंटा नहीं कहते हैं, इसको पिटाई भी नहीं बोलते हैं, इसको भाई साहब सीधा सीधा बॉलिंग का मर्डर बोलते हैं। इसने बॉलर्स का आज मर्डर किया है, मर्डर जिसको बोलते हैं, कत्ल कर दिया है, कत्लेआम किया है बॉलर्स का। भाई बॉलर जाए तो जाए कहां पर, जब ऐसी बैटिंग हो रही हो, जब ऐसे मार मार के भाई जहां पर तुम बॉल करवा रहे हो वहां से जा रहा है छक्का, यह छक्का, यह छक्का। छक्का लगाना तो जैसे उसके भाई बाएं हाथ का खेल हो गया, और सेंचुरी लगाना वो भी उसके बाएं हाथ का खेल हो गया। या तो इंडिया की टीम बहुत अच्छी होगी हुई, या तो न्यूजीलैंड इंतहाई गंदी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन जो भी हो शुभमन गिल ने आज फिर से मेला लूट लिया। ODI क्रिकेट के अंदर उसने जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की ही की। T20 में पहले 2 में नहीं चला, लेकिन तीसरे में ऐसा चला कि फिर सबके ढोंटे खड़े करके रख दिए। जहां पे आपको लगता है कि सेंचुरी नहीं हो पाएगी वहां पे ये सेंचुरी कट जाता है। इसको जिसको कहते हैं ना एंड के ओवर में ऐसा गेंद लगता है, जब इसका आपको याद होगा 200 मारते टाइम इसने एंड पे कितने छक्के मारे थे, 5 छक्के मार के इसने 200 कर दिया था। इसी तरह से जब 60 क्रॉस किए तो शुभमन गिल साहब को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने छक्कों की बारिश कर दी और ऐसी बारिश की कि आराम से इसको कहते हैं सेंचुरी करके। सिर्फ और सिर्फ इसकी पूरी इनिंग्स के अंदर मैं बात करूं, एक गंदी शॉट थी जिसके ऊपर इसका कैच छूटा, अदरवाइज ब्रिलियंट किस्म की बल्लेबाजी की है, मजा आ गया। शुभमन गिल ने फिर से सो कहते ना मेला लूटा, और साथ ही साथ आज तो सो कहते क्रिकेट के मास्टर भी बैठे हुए थे सामने, सचिन तेंदुलकर उनके सामने सेंचुरी मारी है, 1 लाख से ज्यादा बंदा क्राउड मौजूद था स्टेडियम के अंदर, उनके सामने सेंचुरी मारना। न्यूजीलैंड सबको छोड़ो, फर्ग्यूसन का मैं समझता हूँ करियर खत्म करके रख दे, क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर सूर्य कुमार यादव ने फर्ग्यूसन का बुरा हाल किया था, इंडिया के अंदर शुभमन गिल ने फर्ग्यूसन का बुरा हाल किया हुआ है। शुभमन गिल ने क्या है, पूरी इंडिया की टीम ने फर्ग्यूसन का बुरा हाल किया हुआ है। आप से देखे ना इतने रन आगे, मैं तो पहले भी कह रहा था कि भाई इंडिया पहले बल्लेबाजी करेगा तो कंफर्म 200 आएगा ही आएगा। शुभमन गिल ने जो क्रिकेट खेली है उसने क्लास दिखाई है, उसने दिखाया है कि आप स्टार्ट लो अपनी क्लास के साथ, कोई उसने अन्यवा हिट नहीं की, कोई उसने से कहते हैं ना इनप्रॉपर शॉट नहीं खेली, उसने वेट किया 10 ओवर के बाद जाके उसने जिसको कहते हैं छक्कों की ट्राई की है। क्या जबरदस्त किस्म की उसने सेंचुरी मारी है कि मतलब कोई मजाक हो गया है,
नहीं मुझे बता दो इस लड़के के लिए कोई मजाक हो गया। मैंने सुना था कि बहुत बड़ा प्लेयर है, बड़े जबरदस्त किस्म के शॉट्स खेलता है, बड़ा जिसको कहता है अच्छा इसका जिसको कहते हैं फ्यूचर होगा, लेकिन देखा नहीं था। लेकिन ऐसा ऐसा इस साल के अंदर इसने वो क्रिकेट दिखा दिया है कि जिन लोगों को नहीं भी पता होगा उनको पता चल गया कि इंडिया को कोई दूसरा बड़ा प्लेयर मिल गया सूर्य कुमार यादव के बाद, और वो है शुभमन गिल। व्हाट अ नॉक, व्हाट अ नॉक शुभमन गिल, यू ब्यूटी शुभमन गिल, क्या नॉक खेल के गया भाई, मेरे तो जेहन से नॉक नहीं निकल रही है। इस इनिंग के अंदर क्लास मौजूद थी, इस इनिंग के अंदर एग्रेशन मौजूद था, ये एक ऐसी स्पेशल 100 है जो जिस तरह टाइम हुई वो तो चल के बात करेंगे, लेकिन ये एक ऐसी 100 थी वो भी T20 के अंदर एक ऐसे बैट्समैन पे जिसको आज सुबह से पहले इस मैच से पहले जिसका T20 के अंदर पास T20 में जो बैटिंग एवरेज था वो 15 का था, लोग शक कर रहे थे कि शुभमन गिल क्या करें, लेकिन भाई साहब शुभमन गिल ने इंक्लूडिंग माई सेल्फ सबको बता दिया कि भाई साहब मुंह पे उंगली रखनी है। 63 बॉल्स पे 126 की इनिंग, और क्या खूबसूरत इनिंग, इट वॉज अ प्योर जॉय टू वॉच। शुभमन गिल क्लास पर्सोनिफाइड, ये कोई लपाड़े नहीं थे, ये कोई स्लॉग स्वीप्स नहीं थी, ये प्रॉपर हाई क्वालिटी मेरिट पे खेली हुई कैसी इनिंग थी जिसपे प्योर टाइमिंग, प्योर एब्सोल्यूट टाइमिंग, मतलब आपको T20 मुकाबलों में इस तरह की सेंचुरीज नहीं दिखती हैं, आपको स्लॉग शॉट्स दिखते हैं, आपको मारा मारी दिखती है, आपको लपेड़ेबाजी दिखती है, लेकिन शुभमन गिल ने जिस क्वालिटी के ऊपर और जिस ग्रिट के ऊपर ये इनिंग्स खेली है सारी तारीफ उसी की बनती है। जिस तरह मैंने बोला इट वॉज एन एब्सोल्यूट ऑनर एंड एब्सोल्यूट जॉय टू वॉच दिस इनिंग्स, क्योंकि शुभमन गिल ने जिस तरह इस पूरी इनिंग को शेप अप किया है सारा कमाल ही वही है।